16 दिसंबर 2012 को PCR दिल्ली पुलिस को एक अनजान कॉल आता है और उसके बाद दिल्ली ही नहीं पूरा देश लज्जित हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। घटना ही ऐसी थी, ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था जिसे शब्दों में ही बयां करना मुश्किल। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घटना की जो पीड़िता है उनकी माँ और उस परिवार पे क्या गुजरी थी इसको महसूस भी नहीं किया जा सकता है। आज उस घटना के 5 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। दोषी जो थे, एक उसमें नाबालिग था, उसे 3 साल के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया। एक आरोपी आत्महत्या करके जेल में ही मर जाता है, बाकी आरोपी अभी भी सजा काट रहे हैं। उन्हें मौत की सजा देने की मांग करने के लिए उनके घर वाले जो पीड़िता हैं, पीड़िता के घर वाले अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त देश का गुस्सा पूरे चरम पे था और उस वक्त की सरकार ने ये वादा भी किया था कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। और इसी मामले में जो पीड़िता है उनकी माँ आज भी संघर्ष कर रही हैं। हम उनसे जानते हैं जो क्या स्थिति क्या है और उस वक्त जो हुआ था वो किस तरीके से उनको जानकारी मिली थी। अब उस वक्त जो आपको घटना की जानकारी मिली थी वो कैसे मिली थी और क्या हुआ था? देखिए, उस रात को जब जिस रात घटना हुई थी तो उस रात बेटी के साथ जो क्राइम हुआ उसके बाद जब वो PCR या पुलिस उनको जब हॉस्पिटल लेके आए तो हमें रात को ही कॉल आया। टाइम का तो नहीं पता, उस टाइम तो हम परेशान थे, ढूंढ रहे थे बेटी को, लेकिन उसी रात को हम वहाँ पहुँच गए थे। गए फिर हमारे जाने के बाद अपडेशन हुआ और जो भी चीज़ें थी सामने आई। डॉक्टर ने भी कहा कि मैं हमको 20 साल इस फील्ड में काम करते हो गया लेकिन हमारे पास ऐसा केस अभी तक नहीं आया। कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या जोड़े। जो हमारे शरीर में एक मनुष्य को जीने का चलने का एक जो तंत्र या कुछ भी कहिए, हमारी 20-22 फुट की आंत होती है उसमें से 1 फुट भी आंत नहीं है कि हम जो यही बोले कि हमने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है। आगे आप भगवान से प्रार्थना करिए शायद आपकी बेटी। उस वक्त पूरा देश आपके साथ था, अब क्या स्थिति है? देखिए, उस टाइम हमको लोग नहीं जानते थे, बेटी को भी नहीं जानते थे, फिर भी उस क्राइम के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। ऐसा नहीं है कि आज लोग हमारे साथ नहीं है, आज भी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आज 6 साल पूरे हो गए, 16 दिसंबर 6 साल पूरे। लेकिन मैं हर एक आदमी के पास नहीं पहुंच सकती, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से एक दिल्ली लगाव के वजह से आज भी लोग जुड़े हुए हैं। एक मैसेज करती हूँ, एक कॉल करती हूँ, लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर संतोषजनक साथ नहीं मिला तो न्याय व्यवस्था का नहीं मिला, क्योंकि आज 6 साल पूरे हो गए। सुप्रीम कोर्ट से केस रिव्यू पर भी फैसला आ गया, उनकी फांसी की सजा बरकरार है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। तो हम अपने शासन से, प्रशासन से या न्याय व्यवस्था से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर निर्भया मुजरिमों को फांसी कब मिलेगी, क्या वजह है कि उनको जेल में पाला जा रहा है। और इस टाइम की हालात मैं आपको क्या बताऊं, मैं 2 महीने से ज्यादा समय लगा चुकी हूँ यहाँ वहाँ, इस मंत्रालय उस मंत्रालय, सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाइए। लेकिन इन 2-2.5 महीने में हमें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि हमारी भाई कहाँ है और उनको कब फांसी होगी, क्या प्रोविजन है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं।
देश के संसद, देश के पार्लियामेंट पे हमला करने वाले आतंकवादी को आनन-फानन में फांसी दी जाती है, लेकिन इस देश की आधी आबादी जो महिला है उसके साथ इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ जो कार्रवाई है अभी तक संतोषजनक नहीं हो पाई है, इसके लिए आप न्याय व्यवस्था को जिम्मेदार मानती है या सरकारी व्यवस्था को? सरकार सबको, न्याय व्यवस्था को भी, सरकार को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से कोई चीज अलग नहीं है, ना हमारी कोर्ट अलग है ना हमारी सरकार अलग है। अब तो हमारी केस कोर्ट से निकल गई है, तो कहीं ना कहीं अब तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारी केस भी सरकार लड़ती है, पुलिस लड़ती है, तो कहीं ना कहीं अब उनकी जिम्मेवारी है, तो उनको जल्द से जल्द फांसी दे देनी चाहिए। आज देख रहे हैं कि जो भी मुजरिम उससे सीख ले लिए है, जो भी घटना हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटना हो रही है, उसी से मिलता जुलता करते हैं, कह के करते हैं कि आवाज उठाओगे, किसी को बताओगे तो निर्भया जैसे हालत करेंगे। लेकिन आज समाज में वैसे लोगों को ये संदेश नहीं मिला कि नहीं, हम निर्भया जैसे किसी की तरह करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, क्योंकि अभी तक उस मुजरिमों को सजा मिली नहीं, जो भी मिली है कागजों में मिली है, जेल में वो अपना आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं, उनको तो यही है कि भाई हम तो क्राइम किए हैं, हम जेल में हैं, लेकिन दिक्कत तो हमें है, सजा तो हमें मिली है, 6 साल से मैं दर 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 भटक रही हूँ, घूम रही हूँ, आज भी हमारे हाथ में क्या है, बस यही है कि नहीं उनको आर्डर हो गया है कि फांसी होगी, लेकिन कब होगी, कितने साल बाद होगी, ये हम नहीं बता सकते। इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है, आपने किस किस के यहाँ दरवाजा खटखटाया? देखिए, सबसे पहले मैंने मिल तो नहीं पाई, लेटर मैंने पीएमओ में दिया, प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह के पास गई थी, दिल्ली सरकार में मैं जो दिल्ली सरकार के जेल मंत्री हैं जैन साहब, उनके पास गई, पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर आईटीओ को वहां भी लेटर दे के आई, और भी एक आध जगह मैं लेटर दी हूँ, लेकिन रसीविंग है मेरे पास, लेकिन कहीं से मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, कि मेरे को कोई रिप्लाई ही नहीं मिली कि नहीं हाँ हमारे पास कोई आया था तो किसी से फोन करवाए कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हम आपके मदद करें, कुछ ऐसा कोई जवाब नहीं है। इस तरह की सरकारी उपेक्षा की शिकार आप हो रही हैं, आपके बेटे जो बेटी थी उनकी आत्मा हो रही है, अब आपका क्या स्टेप है? देखिए, हम ही नहीं, हमें हमारी ही बेटी की आत्मा नहीं दुखी है, हम ही नहीं दुखी हैं, हमारे जैसे हजारों माँ बाप दुखी हैं, हजारों बच्चियों, हमारी बच्चियों की रूह कांप रही है, रूह तड़प रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक ही निर्भय नहीं है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, हजारों निर्भया हर रोज निर्भया हो रहे हैं, किसी को इंसाफ नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में खामियां हैं, हमारे समाज में से ही घटनाएं होती है, लेकिन उसका रोकथाम करना हमारी न्याय व्यवस्था का काम है, तो मैं इसका जिम्मेवार अपने न्याय व्यवस्था को, अपने प्रशासन को देती हूँ, क्योंकि जो भी आज चीजें हो रही हैं, किसी को परवाह नहीं है, जब हमारी घटना हुई थी कोई और सरकार थी, उसके बाद 4 साल से दूसरी सरकार है, लेकिन ये भी समझिए कि अब इलेक्शन होगा, ये भी सरकार पता नहीं अब कौन किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हम तो वही दर दर भटक रहे हैं, हम तो आज वही की वही खड़े हैं, हम ये नहीं कहते कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई कमी नहीं आई है, न ही इन 6 सालों में कोई इसके लिए ठोस कदम उठाया गया है, कानून तो बनाया गया है लेकिन दिखाने के लिए बनाया है कागजों में, इसलिए मैं अपने सिस्टम को ही जिम्मेवार मानती हूं। उस वक्त इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाला में एक आरोपी नाबालिग भी था, कुछ ही महीने बचे हुए उसके बालिग बने और वो जेल से बाहर आ गया, उसके लिए भी आपने एक बार आवाज उठाई थी, क्या हुआ उस मामले? उसका तो कोई नाम ही चर्चा नहीं है, उसकी तो कैसे खत्म हो गई, उसका तो शायद रिकॉर्ड ही नहीं है कि नहीं वो कोई क्राइम किया है,
हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए उसके लिए पर्सनली अपना वकील किए या अपील लगाई, लेकिन हमारी खारिज हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब ये देखिए कि वो तो जुगनाई था, छूट गया। ये कौन सा जुगनाई है, इनकी कौन से जितने इनके प्रूफ चाहिए, धाराएं लगी थी, सारे प्रूफ इनके सामने है। उन्होंने खुद कबूला है कि नहीं, हमने इस जघन्य अपराध का अपराध को अंजाम दिया है। उस मुजरिम ने खुद कह दिया जेल में कि नहीं, अगर हमारे साथ विरोध नहीं करती तो हम उसको जान से नहीं मारती। तो वो कहीं ना कहीं कबूल रहा है कि हमने उसको मार दिया, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम क्यों, किस लिए, क्या वजह है कि आज भी उनको जिंदा रखा है। हम तो यही हमारी एक ही सवाल है कि निर्भया मुजरिमों को फांसी कब। आप एक माँ हैं, और अभी भी जो देश में क्राइम की बात हम करें और दिल्ली में खास करके, तो हर 18 घंटे पे एक क्राइम की घटना होती है जिसमें महिलाओं के साथ ही होती है वो घटना। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में भी हम यही कहेंगे कि चलिए, आप 18 मिनट बोले, 18 घंटा बोले, 18 घंटा है, आप कम ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं 18 घंटे, इससे भी 18 घंटे में शायद एक से ज्यादा ही घटना होती है। लेकिन इसका कहने का मतलब यही है, आपकी जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो इस पे ठीक मायने में काम नहीं कर रही है। कहने को तो सब कुछ है, कानून है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन मुजरिमों को मन में कानून का डर भय नहीं है। उनको पता है कि 2-4 साल रहेंगे, छूट जाएंगे, हमें कोई सजा नहीं है। होता भी यही है। अभी 1-2 दिन पहले देख रही थी, 1-4 साल को बच्ची के साथ रेप किया, उसको मार दिया, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी, 10 साल इन लोगों ने उसको पेंडिंग में डाल दिया, अब उसको माफ कर दिया। तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं हम 2-4 साल बाद छूट जाएंगे, हमें माफी मिल जाएगी। तो आप किस तरह के कानून व्यवस्था की मांग कर रही हैं और क्या किस तरह की सजा होनी चाहिए? उस समय एक कानून सुधारने के लिए जैसे जीएस पाठक के नेतृत्व में एक कानून भी बनाया गया था, तो क्या उससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है समाज को या देश को? देखिए, जो वर्मा कमेटी बैठी थी जिसमें कानून बदलाव किए गए थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहीं तक सिमट के रह गया, उस पे काम नहीं हुआ। अगर उस पे काम हुआ होता, उसके तहत काम हुआ होता, तो आज निर्भय मुजरिम जिंदा नहीं होते। अगर इनको फांसी हो गई होती तो आज शायद हमारी आज इतनी बच्चियां बलि नहीं चढ़ी होती, आज पीछे नहीं जाते हैं। बहुत सारा केस मेरे पास भी आए, निर्भया के पहले के केस हमारे पास आए हैं, लेकिन अगर 6 साल में एक बच्ची को इंसाफ नहीं मिला जो कि इतना बर्बरता थी, शायद ऐसा केस पहली बार हुआ था, तो और किसको मिलेगा? तो कहीं ना, हम तो यही सबसे यही अपील करना चाहते हैं अपनी न्याय व्यवस्था से, अपना मौजूदा सरकार से कम जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, जो बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, जो आपने कानून बनाया है उसको अमल करिए, एक समय बाउंड करिए कि नहीं, अगर इस मुजरिम के खिलाफ प्रूफ हो गया कि नहीं ये रेपिस्ट है, ये बलात्कारी है, तो उसको जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा दीजिए, चाहे जिस तरह की क्राइम है उस तरह की उसको सजा दीजिए, लेकिन समय बाउंड जरूर करिए, क्योंकि पुलिस के पास तो समय का बाउंड है कि नहीं आप 90 दिन के अंदर आप चार्जशीट लगा दो, लेकिन कोर्ट में अगर केस गई तो कोई बाउंड नहीं है कि इस कोर्ट से कितने साल में निकलेगी, हाई कोर्ट से कितने में निकलेगी, मुजरिम कितने में अपील लगा सकता है। अगर मुजरिम पर अपील लगाना है तो वो सालों साल नहीं लगाता है, तो एक समय बाउंड हो कि अगर मुजरिम को भी अपील लगाना है तो इतने में लगाए, कोर्ट से कितने साल में, कितने महीने में अगर प्रूफ हो जाता है तो सजा मिलनी चाहिए। तो जब तक समय बाउंड नहीं होगा तब तक शायद हम बच्चियों को अपने बचाने में सक्षम। ये थी हमारे साथ निर्भया की माँ, जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर दिन सुबह उठती हैं, दिन भर और पूरे दिन कभी मंत्रालय से लेकर के सरकारी विभाग का चक्कर लगाती हैं, न्याय व्यवस्था के बारे में बताती हैं, और
हर रोज उस दर्द से गुजर रही हैं। भारत, धनंजय कुमार, दिल्ली।